भाई की फिल्म है और राघव के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है, अगर कुछ शेयर करना चाहे? फिल्म देखकर अगर एक शब्द में बोलूं तो सच्चाई, साफ दिल से सच्चाई बोली है। और मैं यशस्वी को 3-4 साल से जानती हूँ और उसके मतलब पहली बार जब हम ट्रिप पर गए थे, मैं, राघव, शक्ति दी, हम सारे फ्रेंड्स सब बाहर मिलकर गए थे, तो मुझे याद है वो कैमरा छोड़ता ही नहीं था उसको। एक एक मोमेंट, कभी भी अगर पानी में कभी मछली भी गई है ना तो वो कैप्चर कर लेगा, वो तब तक कैमरा ऑन रखता है। और जुनूनी है और बहुत पागल है, उसके भाई जैसा ही है और देहरादून का है, तो पहाड़ी लोगों के लिए ना मुझे सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि बहुत साफ दिल के होते हैं और जो दिल पे है ना वो ज़बान पे है, कुछ फिल्टर नहीं है। तो द बेस्ट पार्ट वाज कि जो जैसा वो है वैसी उसकी फिल्म भी थी, तो वो देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और हम तो एंड में उसकी जो स्पीच थी मैंने प्राइवेटली रिकॉर्ड करी है, मैंने कहा ओहो हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया, इतनी अच्छी, कैसे गर्व हो रहा था, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिल्म देखने के बाद कैसी लगी फिल्म आपको, क्या रिएक्शन था उसको, मतलब स्टैमर व्हेन आई टॉक? हाँ, तो क्या खास बात लगी फिल्म? आई स्टैमर व्हेन आई टॉक इज आल्सो लाइक अ मेटाफर फॉर कि कितने लोग हैं जितने कि जितनी बार आपके चोट लगी होती है, जैसे डांसर्स को चोट लगती है तो हम सोचते हैं लगी हुई है, नहीं होता है। बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज और लाइट ऑन है और कैमरा आपके ऊपर है और म्यूज़िक चलता है तो आप सब भूल जाते हो। तो उसी तरह से इवन फॉर द रैपर इट वाज एग्जैक्टली लाइक जैसे ही वो रिदम में होता है तो कहता है मेरे तो ज़बान भी नहीं लड़कर आ रही, ना मेरे को कुछ हो रहा है, एंड एवरी थिंग इज़ वेरी नॉर्मल। तो एग्जैक्टली लाइक दैट आई कुड रिलेट टू हाउ रियल और इतने साफ दिल का बंदा है। एंड इवन आफ्टर गोइंग थ्रू अलॉट पर्सनली, उसके फादर की डेथ हो जाती है एंड इवन वंस यू सी द फिल्म यू विल नो दैट वॉट ऑल ही वेंट थ्रू, बट कीपिंग ऑल दैट असाइड उसने फिर भी काम किया है। डिलीवरी बॉय था वो, उसके साथ उसने ATM के बाहर वॉचमैन भी बनाया वो, तो मतलब घर पे 15,000 की मतलब 15,000 कमाते थे उसके पापा, उनके जाने के बाद घर पे कोई भी कमाने वाला था ही नहीं, उसका एक छोटा भाई और माँ थी। तो उसने दो अलग अलग काम किए, अलग अलग शिफ्ट में सब काम करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया। बट एक जो टैलेंट है वो आपको कहीं से भी खोज के एक तराश लेगा और आपको हीरा बना देगा। तो वेरी हैप्पी दैट रफ्तार हैज़ एक्चुअली गॉट दिस बॉय। और अच्छे हमें सच्चाई वाले शब्द सुनने को मिलेंगे और देहरादून पहाड़ी दिल से, तो और खुशी हो रही है कि अच्छा टैलेंट आगे जा रहा है। एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विच विल कम वेरी सून, तो अभी आने वाला है, अभी आने दो तभी बात करते हैं ना, 3-4 चीज़ें हैं वैसे, बट सितंबर तक 3 चीज़ें आ जाएंगी और अभी जून बाय 23rd-24th यू विल नो देयर समथिंग वेरी बिग एंड अपकमिंग, और दोस्तों के साथ है तो और बड़ा होने वाला है। तो और आप तीनों बहनों को भी देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एक साथ, तो क्या कहना चाहेंगे, कब आएगा वो मौका? और मैं भी एक्साइटेड हूँ कि मेरी बहन घर कब आएगी, वो तो हवाई में सर्फिंग कर रही है कब से, मैं ऑनलाइन देख देख के तंग आ चुकी हूँ कि अरे घर आ जाओ परदेसी आपका देश बुला रहा है। तो आई डोंट नो वेयर शक्ति इज़, वो आने वाली हैं, तो कितना टाइम हो गया कि हम सारे एक साथ डिनर टेबल पर बैठे हैं और हम खाना खा रहे हैं, कितनी बार कोई रिकॉर्डिंग में बिजी है, कोई शूटिंग में बिजी है, तो हम बहनें मिल ही नहीं पाते हैं। बट आई थिंक बाय मिड जून हम सब मिलने वाले हैं और हम जल्दी सेलिब्रेट करेंगे दैट ऑल्सो, एंड यू विल ऑल्सो सी अस टुगेदर। मुफ्ती एक सामने कैमरा है।